नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, गूगल एडसेंस का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने किसी पर्टिकुलर ब्लॉग के पेज को ऐड जो होते हैं उससे एक्सक्लूड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पेज पर जो है ऐड नहीं आना चाहिए, तो ये कैसे किया जाएगा। ये बड़ा ही सरल है। पहले मैं आपको अपने ब्लॉग पर ले चलता हूँ और ब्लॉग पर चलने के बाद मैं आपको वहाँ बताता हूँ कि कुछ पेजेस जिनके लिए गूगल खुद कहता है, जैसे कि मान लीजिए ये अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपको ऐड दिख रहे हैं, ये इस तरीके से जो ऐड हैं ये अबाउट अस के पेजेस पे नहीं होना चाहिए। आप इसको देखेंगे यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐड नहीं दिखाई देगा। अगर आप जो है इसी के साथ पीछे जाएंगे और कह सकते हैं कॉन्टेक्ट अस को देखेंगे, या ये जो और भी पेजेस आपको दिख रहे हैं इन पर ऐड हमें नहीं लगाना है। ये देखिए, हम कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, यहाँ भी आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इनको तो दोस्तों एक्सक्लूड किया जाता है, और ख़ास बात यह है कि ये तो एक्सक्लूड हो गए हैं। अब कुछ पर्टिकुलर ऐसे पेजेस हैं आपके पास जिनसे आप देखते हैं कि आपके कुछ रेगुलर कह सकते हैं व्यूअर्स हैं, या जो आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, ब्लॉग को विज़िट करते हैं, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर ऐड ना आए ताकि गूगल को ये इन्फिल्ट्रेशन जो लगता है और ऐसा ना लगे कि ये कुछ गलत तरीके से इस पर कह सकते हैं ट्रैफिक आ रहा है। और उस ट्रैफिक को रोकने के लिए मान लीजिए मैंने, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक टैब है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्रामिंग थे जिनसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और पढ़ते जब हैं तो उनको बीच बीच में ऐड नहीं आना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि वो इस वीडियो को, मान लीजिए इस ब्लॉग को अगर 50 बार देख रहे हैं तो यूट्यूब को और ब्लॉग को तो ये लगेगा, जो गूगल एडसेंस है उसको ये लगेगा कि ये जो है इसको बार बार व्यूज़ के लिए, इम्प्रेशन के लिए, एड्स के लिए दिखाना चाहते हैं, और ऐसे में वो आप पे कुछ एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से पोजीशन लगा देता है और आपको बैन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई पेज है, इसको हम हटाना चाहते हैं, तो ये एक प्रोग्राम है और इस पर से हम ऐड हटाना चाहते हैं। ऐड जैसे आप ये देख रहे हैं, देखिए ये बीच बीच में जो ऐड आ रहे हैं, ये इनको हम हटाना चाहते हैं, तो आपको इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ ऐड पर चलेंगे। एड्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर चलना है हमारी वेबसाइट पर। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे मैंने 34 पेजेस हैं इनको एक्सक्लूड कर रखा है, तो यहाँ एडिट बटन पर आइए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड पेजेस, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आ गया है, और ये वो सारे प्रोग्राम्स और ब्लॉग्स हैं जिनको मैंने ऐड से बाहर कर रखा है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको ऐड एक्सक्लूजन करना है तो यहाँ पर टैप कीजिए और यहाँ पर जो है URL आपको डालना है। तो जैसे ही मैं, मान लीजिए यहाँ से ये मैंने URL उठा लिया है, और मुझे शुरुआत में जाके इसका WWW ये सब हटाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके लिए मना करेगा, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब मैं इसको, मुझे ऐड करना है। देखिए इसमें लिखा है कि इस पेज को अकेला मैं हटाना चाहता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन होता किसी ड्रॉप डाउन का, टैब का, तो आप उसको भी कर सकते थे। हाल फिलहाल मैं दिस पेज ओनली करके इसको ऐड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको ऐड कर दिया है। अब ये रिफ़्रेश हो गया है और ये आपको यहाँ लिस्ट में सबसे टॉप पर दिखने लगा है। और अब आप जैसे ही वापस आएंगे तो अब आपको करना क्या है, इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई टू साइट कर देंगे तो होगा क्या कि ये वैसे तो कहता है कि हम 24 घंटे लेते हैं, लेकिन ये इससे पहले ही आपको जो है यहाँ पर चेंजेस को कर देगा। देखिए यहाँ लिखा है टेक अप टू एन आवर, तो अब एक घंटे के अंदर अंदर ये जो है चेंजेस हो जाएंगे, और जो मैंने आपको वो टैब दिखाया था, जो मैंने आपको पेज दिखाया है, उस पेज पर ऐड आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी किसी पर्टिकुलर
ट्रैफिक को जिसे गूगल समझता है कि इनवैलिड है और आप समझते हैं कि वो ज़रूरी है जो भी व्यूअर्स आपके पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो आप पर्टिकुलर पेज पर जाके ऐड का एक्सक्लूजन कर दीजिए ताकि आपका गूगल एडसेंस जो है बड़े आसानी के साथ बचा रहे और आप अपनी अर्निंग को जारी रख सकें। तो दोस्तों ये आसान सा तरीका था, आप इस तरीके को आज़मा सकते हैं। इस तरीके को आज़मा कर आप देखेंगे कि आपको बड़े ही आसानी के साथ आप गूगल एडसेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी गूगल के साइट से वार्निंग का मैसेज आपको नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।